हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फो मोर बॉक्स। माय नेम इज़ विकास। टुडे आई एम गोइंग टू डू अनबॉक्सिंग ऑफ ओसाका ट्राईपॉड मॉडल नंबर प्रो 777। दिस इज़ प्रोफेशनल सीरीज ट्राईपॉड। दिस ट्राईपॉड कैन बी यूज फॉर हैवी कैमराज ऑल्सो। इस प्रोफेशनल ट्राईपॉड में हाइड्रोलिक ड्रैग क्लूड हेड लगा हुआ है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे भी आपको कैमरा फोटो एसेसरीज के अनबॉक्सिंग्स के अपडेट मिलते रहेंगे। तो आइए अब इस बॉक्स के अंदर हम ओपन करके देखते हैं कि इस बॉक्स के अंदर क्या क्या है। तो जैसे कि मैं इस बॉक्स को खोलता हूँ तो आपको ये देखेगा कि ये जो पैकिंग है, ये कार्ड बॉक्स की पैकिंग मिल जाती है आपको। और इस पैकिंग के अंदर अगर मैं देखूँ तो ये कैरिंग केस है। ये कैरिंग केस जो है ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। काफ़ी जो इसका जो स्टफ़ है वो काफ़ी जो है थिक लग रहा है मेरे को। तो अगर आप देखें तो इसमें ना ओसाका की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है इस वाले बैग के अंदर। और मैं जैसे इसकी चेन को खोल के देखता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है। तो अगर मैं ये चेन को खोलता हूँ तो मेरे को एक जो है ट्राईपॉड जो है पॉलीथीन में रैप हुआ हुआ मिलता है। तो मैं इस ट्राईपॉड को जो है मैं बाहर निकाल लेता हूँ। और इस ट्राईपॉड को बाहर निकाल के जो है अगर मैं देखता हूँ तो इसके अंदर एक मैनुअल भी है। तो जो मैनुअल है वो भी आपको मैं अभी ओपन करके दिखा देता हूँ। तो इस जो मैनुअल के अंदर जो है, अगर ये मैनुअल देखूँ तो मेरे को इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट की फीचर्स लिखे हुए हैं। और इसके जो है हाउ टू असेंबल दिस ट्राईपॉड के कुछ कुछ इसके अंदर पार्ट्स इसके अंदर बताए हुए हैं। कैसे आपको जो क्विक रिलीज प्लेट जो है आपको रिमूव करनी है, कैसे आपको बॉल लेवल जो है आपको सेट करना है, और ये सब टिल्ट लेवल जो है आपको कैसे रिलीज़ करना है, ये नॉकिंग नॉब वगैरह इसके बारे में बताया गया है। तो आप देख सकते हैं ये जो है ओसाका ब्रांड का जो है ये इसके साथ जो है आपको मिल जाता है ये वाला मैनुअल। तो अब मैं इस ट्राईपॉड को जो है पॉलीथीन से बाहर निकाल लेता हूँ। तो आप ये ट्राईपॉड जैसे कि देख रहे हैं, इसकी 3 लेग सेक्शंस है। और जो इसकी जो लेग सेक्शंस के अंदर जो है डबल चैनल्स मिले हुए हैं आपको। और आप ये फ्लिप लॉक भी देख सकते हैं। और आप देखें तो इसके अंदर रिट्रैक्टेबल जो है इसके अंदर जो है रबड़ वाले इसके अंदर फुट लेग्स लगे हुए हैं, जिससे आप इसको अनइवन सरफेस जैसे सैंड सरफेसेस भी आप इसको ना इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो आइए जो है मैं इसकी एक एक लेग को खोलता हूँ। लेग को खोलने से पहले अगर मैं देखूँ तो इसके अंदर एक लॉक लगा हुआ है यहाँ पर। तो इस लॉक को मेरे को ओपन करना है। तो ये जो लॉक है अगर आप देखें तो इसके अंदर ये यहाँ पर टैग लगा हुआ है। और इसको टैग को आपको खींच के जो है ये वाला लॉक ओपन करना है। तो मैं इस टैग को जो है खींच कर इसके लॉक को मैं ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद जो है इसकी जो लेग्स की जो है ओपनिंग हो सकती है। तो मैं इसकी लेग्स को ओपनिंग करने के लिए जो है आप देखें तो इसका जो सेंटर पोर्शन है जो है मैं इसको जो है ओपन कर लूँगा। इसको बॉटम पे ला के इसके सेंटर पोर्शन को जो है मैं बॉटम पे ला के जो है इसको ओपन कर दिया है। और जो है इसको मैं अब धीरे धीरे जो है इसको ऊपर करूँगा। तो मैंने इसकी तीनों फ्लिप लॉक्स खोल दिए हैं और इसको जो है मैं धीरे धीरे जो इसको ऊपर उठाऊंगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है आप इसकी लेग्स को खोल सकते हैं और ऐसे लॉक कर सकते हैं जितनी आपको हाइट चाहिए इसकी। तो अगर मैं इसमें देखूं कि उसकी फोल्डेड हाइट क्या है तो सबसे पहले मैं वो चेक करता हूँ। तो फोल्डेड हाइट के लिए जो है इसको मैं दोबारा से जो है इसको यहाँ पर रख देता हूँ। और रखने के बाद जो है मैं इसको लॉक कर देता हूँ। और लॉक करने के बाद जो है मैं इसकी जो इंच टेप से जो है मैं इसकी चेक करता हूँ जो है इसकी फोल्डेड हाइट क्या है। फोल्डेड हाइट जो इसकी मेंशन है वो 760 mm है। तो मैं चेक कर लेता हूँ ये 760 mm है या नहीं है। तो अगर मैं चेक करूँ तो इसकी जो फोल्डेड हाइट है, तो फोल्डेड हाइट इसकी 760 mm है। तो ये कंपनी जो क्लेम करती है वो राइट है। तो आइए अब जो है मैं इस वाले ट्राईपॉड को जो है इसकी लेग्स को ओपन करके जो है इसकी पूरी हाइट भी देख लेता हूँ। तो इसका जो है मैंने सेकंड सेक्शन भी इसका जो है ओपन कर दिया है। अब इसके अंदर जो है इसकी जो लास्ट वाली चैनल है अगर मैं वो भी ओपन कर लेता हूँ तो फिर इसकी जो है जो इसकी जो हाइट है वो भी फुल चेक हो जाएगी। तो आप देखिए मैं जो 1x1 इसकी जो सारे फ्लिप लॉक्स है वो मैं खोल देता हूँ। अब जैसे मैं जो इसकी लास्ट वाली लेग वाला जो फ्लिप लॉक है वो भी मैं इसका खोल देता हूँ। इसकी ट्राईपॉड की जो हाइट है जैसे कि कंपनी क्लेम कर रही है इसकी 5 फीट के अराउंड जो इसकी हाइट है, तो मैं चेक करूं तो मेरे को लग रहा है कि इसकी 5 फीट से ज़्यादा है इसकी हाइट। तो मैं इसकी चेक कर लेता हूं हाइट भी।
तो जो इसकी हाइट है, जैसे कंपनी ने क्लेम किया हुआ है 1545 mm, तो इसकी हाइट जो है वो रिव्यू के अकॉर्डिंग जो है इसकी ओके है। अगर मैं इसका वेट जो है ट्राईपोड का, इसके अंदर जो मेंशन है वो 3.25 kg है, और जो इसका पे लोड है ट्राईपोड का वो अराउंड 10 kg के है। तो सबसे पहले जो है मैं इसकी जो लेग्स है वो अपनी एडजस्ट कर लेता हूँ अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो अगर मैं जो है इसकी जो लास्ट वाली लेग है मैं इसको जो है ऊपर कर देता हूँ, तो अगर आप देखो तो मैं इसकी लास्ट वाली जैसे लेग ओपन करूँगा तो इसकी हाइट जो है मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जो है एडजस्ट हो जाएगी। तो ऐसे आप अगर देखें तो इसकी जो लेग्स पे जो है आप, और यहाँ पे जो है सेंटर पोर्शन भी ओसाका की ब्रांडिंग है, अगर आप देखें तो इसके लेग्स पे भी यहाँ पे प्रो 777 मॉडल नंबर मेंशन है। तो अब जैसे मैं लास्ट वाला जो फ्लिप लॉक है वो भी जो है इसको क्लोज करके जो है मैं अपनी हाइट के अकॉर्डिंग से एडजस्ट कर लेता हूँ, और एडजस्ट करने के बाद जो है मैं इसकी क्विक रिलीज प्लेट देख रहा हूँ और ये टिल्ट बार देख रहा हूँ जो इसको मोशन करने के लिए जो हेल्प करता है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे मेरे को एक बाउल मीटर मिल जाता है जिससे मैं ट्राईपोड को अलाइन कर सकता हूँ। ये जो ट्राईपोड है इसकी बिल्ड क्वालिटी एलुमिनियम की है, तो जो ये ट्राईपोड आप देख रहे हैं जो इसकी लेग्स है ये सारी जो है एलुमिनियम की बनी हुई है, और जो इसके जो फ्लिप लॉक्स है वो प्लास्टिक के बने हुए हैं। तो ये दिखने में जो है ट्राईपोड काफ़ी सॉलिड सा लग रहा है, और ये जो है आपका जो है स्टेजेस पे भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप इवन आप आउटसाइड शूटिंग के लिए भी अगर अच्छी लोकेशन पे लेके जाते हैं तो वहाँ पे भी आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं, और इससे जो है आप बड़े से बड़े वीडियो कैमरा भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है 3x8 की जो है इसके अंदर माउंटिंग कैमरा स्क्रू भी दी हुई है जिससे आप इसको आप बड़े वीडियो कैमराज पर भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस ट्राईपॉड में जो है हाइड्रोलिक हेड लगा है, अगर इस ट्राईपॉड को अगर मैं टिल्ट मूव कर दूँ तो ये जो है अपने आप नीचे आ जाता है। तो आइए जो है मैं इसकी क्विक रिलीज प्लेट जो है आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो क्विक रिलीज प्लेट निकालने के लिए जो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, यहाँ पे देखिए एक सेफ्टी लॉक दिया हुआ है, तो ये सेफ्टी लॉक को मैं अगर प्रेस करता हूँ तो ये क्विक रिलीज प्लेट जो है ये बाहर आ जाएगी। तो इसको रिलीज़ करने से पहले क्या है मेरे को इसका जो, अगर आप देखें तो जो इसका एक सेफ्टी लॉक एक और दिया हुआ है साइड में, अगर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ तो ओपन करने के बाद जो है ये लूज़ हो जाएगा जिससे इसकी क्विक रिलीज़ की जो मूवमेंट है वो स्टार्ट हो जाएगी। अगर जैसे मैंने इसको लूज़ कर दिया, लूज़ करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसकी क्विक रिलीज प्लेट की जो मूवमेंट है वो स्टार्ट हो गई है। अब जो है मैं आपको इसका कैमरा प्लेट है वो आपको निकाल के दिखा देता हूँ। तो आप ये अगर यहाँ से प्रेस करेंगे तो ये है आपकी जो है यहाँ से क्विक रिलीज प्लेट यहाँ से आपकी बाहर निकल जाएगी। तो ऐसे आप इस क्विक रिलीज प्लेट को बाहर निकाल सकते हैं। तो जैसे कि देख रहे हैं आप मेरे हाथ में ही क्विक रिलीज प्लेट है जिसके अंदर आप देख सकते हैं दो माउंटिंग स्क्रू दिए हुए हैं, एक ये 3x8 inch का है, एक ये 1x4 inch का है। अगर आप देखें तो इसके अंदर आप ये ना रबड़ भी दी हुई है इसके अंदर, जो आप रबड़ रिमूव करके जो है आप ये माउंटिंग स्क्रू भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको निकाल के, जैसे अगर आप खाली 1x4 का माउंटिंग स्क्रू यूज़ करना चाहते हैं तो आप जो है इसको रबड़ को जो है रिमूव करके जो है आप इसके अंदर जो आप ईजिली इसके अंदर जो है आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसका जो 3x8 का जो है स्क्रू है इसको रिमूव कर देता हूँ और इसके अंदर जो है आपको जो है कैमरा इसके अंदर आपको लगा के दिखाता हूँ। तो ये जो है मैंने रिमूव कर दिया, और रिमूव करने के बाद जो है अब मैं इसको कैमरे को इसके अंदर आपको लगा के दिखाता हूँ। तो ये देखिए जो ये कैमरे का जो ये होल है इसके अंदर जो है ये आप ये स्क्रू देख रहे हैं ये ईजिली इसके अंदर माउंट हो जाता है। तो आइए जो है मैं इसको स्क्रू को जो है इसके अंदर आपको लगा के दिखा देता हूँ। तो आइए जैसे कि आप इसके माउंटिंग स्क्रू के अंदर इसको आप इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसके अंदर यहाँ पे स्क्रू दिया हुआ है, और स्क्रू को जो है आप इजीली जो है कॉइन से इसको आप टाइट कर सकते हैं। तो आप इसको अच्छे से जो है कॉइन को टाइट करने के बाद जो है आप इसको कैमरा प्लेट को जो है आप इजीली जो है ट्राईपॉड पे लगा सकते हैं। तो जैसे अब मैंने इसको है अच्छे से टाइट कर देना है, तो ये जैसे ये स्क्रू जैसे आप इसको टाइट कर देंगे तो ये टाइट हो गया। टाइट होने के बाद जो है अब मैं इसको लगा दूंगा। तो आप अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ना लेंस लगाने के लिए भी ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप लेंस लगाएंगे तो आपको ना स्टार्टिंग जो है जिसकी जो मूविंग डायरेक्शन होगी लेंस की वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही होनी चाहिए। तो आइए जो है मैं इसको और इसके अंदर आपको कैमरा प्लेट को लगा के दिखा देता हूँ। तो कैमरा प्लेट को लगाने के लिए जो है मैं इस ट्राईपॉड को है जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक सेफ्टी लॉक लगा हुआ है, सेफ्टी लॉक को जो है मैं प्रेस करूँगा, और प्रेस करने के बाद जो है ये जो कैमरा प्लेट है वो इसके अंदर जो है मैं इंसर्ट कर दूंगा। तो इंसर्ट करने के बाद जो है सेफ्टी लॉक से लॉक हो जाएगा और ये जो है ये बाहर नहीं निकल सकता। अगर आप देख रहे हैं बाहर नहीं निकल रहा,
अब इसके बाद जो है अगर मैं सेफ्टी जो सेकंड जो इसका सेफ्टी लॉक है अगर उसको मैं टाइट कर दूँ, टाइट करने के बाद जो ये कैमरा प्लेट भी जो है इसकी टाइट हो जाती है। तो जैसे मैंने इसको टाइट कर दिया, आप इससे आप देख सकते हैं कि जो इसकी कैमरा प्लेट है वो भी इसकी अब टाइट हो गई है। अगर आप देखें तो ये जो है ये जो है इसकी मूवमेंट नहीं हो रही है अब उसकी कैमरे की। तो आप इस तरीके से जो है आपका जो ये कैमरा जो है इसके अंदर माउंट हो जाता है। तो आपने देखा इसमें कैमरा माउंट हो गया है। अब फर्दर जो है मैं आगे इसके अंदर आपको जो है इसके जो है टिल्ट लॉकिंग नॉब के बारे में बताता हूँ और जो है इसका जो है पैन एक्सेस लॉकिंग के बारे में बताता हूँ। तो ये जो है अगर आप देखेंगे तो इसमें आप ये जो है फ्रंट के अंदर जो है इसके अंदर आपका पैन लॉकिंग नॉब दिया हुआ है। अगर इसको मैं लेफ्ट साइड पे कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो इसकी जो मूवमेंट है ट्राइपॉड की वो स्टार्ट हो जाती है। आप इसको हॉरिजॉन्टली इसको अलाइन कर सकते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखेंगे तो लेफ़्ट साइड पे आपको इसके अंदर जो है आपका इसके अंदर आपको लॉक ये वाला लॉक मिल जाता है। ये जो लॉक है ये आपका ये टिल्ट लॉकिंग नॉब है और ये टिल्ट एक्सेस के लिए है। तो अगर मैं इसको लूज़ कर दूँ, लूज़ करने के बाद अगर आप देखेंगे तो ये जो है इसका हॉर जो है इसका टिल्ट एक्सेस स्टार्ट होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि इसका टिल्ट एक्सेस स्टार्ट हो गया। तो ये जो है टिल्ट एक्सेस को अगर मैं लॉक कर दूँ तो लॉक करने के बाद जो है इसको जैसे मैंने टाइट किया, टाइट होने के बाद आप देख सकते हैं जो इसका टिल्ट एक्सेस है वो लॉक हो गया। तो इस तरीके से आप इसको जो है दोनों तरीके से इसको आप जो है लॉक कर सकते हैं। और जो इसकी जो अगर मैं जो इसका जो टिल्ट बार है इसके टिल्ट बार के बारे में आपको बता देता हूँ। ये आप राइट और लेफ्ट साइड दोनों यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लेफ्ट हैंडेड है तो इसको आप लेफ़्ट साइड पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसको बताने के लिए सबसे पहले क्या है मैं इसका कैमरा रिमूव कर देता हूँ और कैमरा रिमूव करके आपको बताता हूँ। तो आइए जो है मैं इसका जो सबसे पहले जो इसका सेफ्टी जो सेकंड सेफ्टी लॉक है उसको मैं ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद देखिए आप जो इसकी मूवमेंट है कैमरा प्लेट की वो स्टार्ट हो गई है। और इसके बाद जो है मैं इसका जो फर्स्ट सेफ्टी लॉक है इसको यूज़ करके जो है इसको रिमूव कर देता हूँ। और रिमूव करने के बाद जो है मैं क्वाइन की हेल्प से जो है इसको जो इसका स्क्रू है वो मैं लूज़ कर देता हूँ। और लूज़ करने के बाद जो है मैं इसकी जो कैमरा प्लेट है वो उसको रिमूव करके आपको ना इसके अंदर जो है टिल्ट बार जो है आपको लेफ़्ट और राइट साइड दोनों आपको मूव करके बताता हूँ। तो जैसे कि मैंने आप देखा है कि आपको कैमरा प्लेट मैंने इसको रिमूव कर दी है। रिमूव करने के बाद जो है मैं इसकी जो रबड़ है वो भी लगा दूंगा और जो इसका 3x8 का जो माउंटिंग स्क्रू है वो भी इसके अंदर लगा देता हूँ। तो ये जो है इसको लगाने के बाद जो है मैं इसके अंदर जो है रबड़ को लगा दूंगा। तो ये मैंने रबड़ को लगा देना है इसके अंदर। तो आप ये देखिए ये रबड़ लग गई है। अब इसके बाद जो है मैं इसको कैमरा प्लेट को जो है मैं इसको इसके अंदर जो है लगा देता हूँ। तो इस तरीके से जो है ये कैमरा प्लेट को आप इजीली इसके अंदर लगा सकते हैं सेफ्टी लॉक यूज़ करके। तो इसके अंदर एक ऑप्शन और दी हुई है कि आप जो है लेंस को आप जो भी लगाएंगे आप लेंस को इसी वाली डायरेक्शन के अंदर लगा सकते हैं। और जो है अब मैं इसको जो है आपको टिल्ट बार जो है इसको रिमूव करके लेफ़्ट साइड पे लगा के दिखाता हूँ। सबसे पहले जो इसका ये स्क्रू दिया है मैं इसको लूज़ कर देता हूँ। जो ये इसका आप देख रहे हैं जो ये इसका जो स्क्रू है वो मैंने लूज़ कर दिया। और लूज़ करने के बाद जो है इसको मैं निकाल के जो है लेफ़्ट साइड पर लगा दूँगा। तो लेफ़्ट साइड पर लगाने के बाद जो है आप इसको लेफ़्ट हैंड से भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे इसको आप जो है यहाँ पर जो है लगाने के बाद जो है इसको जो है स्क्रू से टाइट कर देंगे। स्क्रू से टाइट करने के बाद जो है आप इसको इजीली लेफ़्ट हैंड से भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे आप टाइट करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये आपका लेफ़्ट हैंड से भी यूज़ हो सकता है। तो इस तरीके से आप इस ट्राईपॉड को दोनों हैंड से यूज़ कर सकते हैं। अब जो है मैं इसको दोबारा से जो है इसको लूज़ करके जो है मैं इसको राइट साइड पर लगा देता हूँ। तो इसको यहाँ से लूज़ करेंगे और लूज़ करने के बाद जो है इसका जो नॉब है वो निकल के जो है राइट साइड पे लग जाएगा। तो ये लेफ़्ट और राइट साइड दोनों इजीली यूज़ करा जा सकता है। आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसको आप अच्छे से अलाइन करके जो है राइट साइड पे लगा दीजिए तो ये आपका राइट साइड पे अलाइन हो जाएगा। तो अगर आप देख सकते हैं इसका ये बबल मीटर है और ये बबल मीटर को आप जो है इजीली एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से इसको चेक करके। तो इसके बबल मीटर को अलाइन करने के लिए क्या जैसे मैंने इसको लॉक को लूज़ कर दिया और लूज़ करने के बाद जो है मैं देख लेता हूँ सेंट्रली इसके अंदर है या नहीं है। तो अगर आप इसके बबल को देखेंगे तो बबल मीटर में ये सेंट्रली यहाँ पे ऐसे लग जाता है।
तो इस तरीके से क्या है, मैं इस ट्राईपॉड को आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो आइए अब जो है मैं इस ट्राईपॉड को जो है मैं आपको बंद करके बता देता हूँ। बंद करने के लिए सबसे पहले जो है मेरे को इसके जो लॉकिंग नॉब है वो उसके ओपन करने, लॉकिंग नॉब को ओपन करने के बाद जो है मैं इसको जो है ट्राईपॉड को जो है इसकी लेग्स को जो है मैं बंद कर दूँगा। इसकी वन बाय वन जो है लेग्स को जो है मैं इसको ऊपर ले जाके जो है इसकी बंद कर दूँगा लेग्स को। जैसे मैंने पहली लेग बंद कर दी है, ऐसे जो है सेकेंड लेग है वो भी इसकी जो है इसको ऊपर करके जो है मैं इसको ईजिली बंद कर देता हूँ। और वन बाय वन करके जो है मैंने इसकी सारी लेग्स बंद कर देनी है। तो ऐसे ही जो थर्ड वाली लेग भी है इसको ऊपर करके जो है मैंने इसको बंद कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ट्राईपॉड है अब ये बंद हो गया है, तो इसकी सारी लेग्स है वो क्लोज हो गई है। तो इस तरीके से जो है आप इस ट्राईपॉड को जो है ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो अब ट्राईपॉड को पूरा बंद करने के लिए जो है मैं इसको सेंट्रल पोर्शन है इसको अप कर दूंगा, और अप करने के बाद जो है ये ट्राईपॉड बंद कर दूंगा। और बंद करने के बाद आप देख सकते हैं इसके अंदर जो इसका जो लॉक दिया हुआ है, इसको लॉक को जो है मैं फिर से यहाँ से बंद कर दूंगा। और बंद करके जो इसको खींच के जो है मैं इसको यहाँ पे बंद कर दिया मैंने। तो बंद करने के बाद जो है आपका ये लॉक जो है बंद हो गया। ये जो ट्राईपॉड है जो इसका बाइंग लिंक मैंने जो है अमेज़ॉन का और कंपनी वेबसाइट का जो इसका बाइंग लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शो कर दिया है। अगर आप चाहे तो ये रिटेल आउटलेट से भी, दिल्ली के रिटेल आउटलेट से भी परचेज़ करेंगे तो आपको 10-20% पे ऑफ मिल जाएगा। अगर आप इसे जो है ऑनलाइन परचेज़ करेंगे तो आई थिंक ये 6500 के अराउंड भी आपको मिल सकता है। अगर कोई स्कीम चल रही होगी क्रेडिट कार्ड वगैरह की भी, आपको वहाँ पे भी आपको डिस्काउंट मिल सकता है। तो ये था ट्राईपॉड प्रो 777 ओसाका ब्रांड का अनबॉक्सिंग वीडियो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर देना, जिससे आगे भी आपको जो है अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे कैमरा एसेसरीज के प्रोडक्ट्स के। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।